हेलो ब्यूटीफुल सेवन ग्रेडर्स, आई होप यू ऑल आर सेफ एंड साउंड एंड आई होप आप सबकी फैमिलीज भी सेफ होंगी और आप सारे कोविड मेजर, सारे कोविड प्रिकॉशंस ले रहे होंगे। एंड आई ऑल्सो होप कि आप रेगुलरली अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि एग्जाम्स आने वाले हैं, हाफ ईयरली एग्जाम्स, एंड वी हैव टू एस ऑल आर एग्जाम्स। बट हाउ विल बी एस आर एग्जाम्स? देन ऑफकोर्स अन अकेडमी इज द सोल्यूशन। विद अन अकेडमी यू कैन एस ऑल योर स्कूल एग्जाम्स, क्योंकि अन अकेडमी पे जो है वो क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना हो, उन सब के कोर्स अवेलेबल हैं। तो आपको सोशल साइंस पढ़ना हो, आपको हिस्ट्री पढ़ना हो, आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिंदी, साइंस, कोई भी सब्जेक्ट, कंप्यूटर ही क्यों ना पढ़ना हो, अन अकेडमी पे सारे कोर्स अवेलेबल हैं। ना केवल ये, इवन इफ यू वॉन्ट टू प्रिपेयर फॉर सम कम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक UPSC, UGC नेट या फिर JEE मेन्स, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो उसके कोर्स भी अन अकेडमी पे अवेलेबल हैं। तो अब आप क्या आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इतना सा करना है दैट यू हैव टू डाउनलोड द अन अकेडमी लर्नर्स ऐप। यू हैव टू एनरोल योर सेल्फ टू एनी कोर्स ऑफ योर चॉइस एंड यू हैव टू यूज माई कोड PJAIN10 टू गेट 10% डिस्काउंट। येस, अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे तो आपको सीधा सीधा फ्लैट 10% ऑफ मिलेगा किसी भी कोर्स पे, कोई भी सब्जेक्ट पे, जो भी आपको पढ़ना हो। तो ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी तो मिस करनी ही नहीं चाहिए। कि अभी मैं बताती हूँ गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैंने क्यों कहा। तो अन अकेडमी पे पढ़ना इज एक्चुअली अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। क्यों? क्योंकि अन अकेडमी के जो एजुकेटर्स होते हैं, यानी कि जो टीचर्स होते हैं, दे आर द मोस्ट क्वालिफाइड टीचर्स इन द रिस्पेक्टिव फील्ड। दे आर हाईली क्वालिफाइड, दे आर द फाइनेस्ट टीचर्स ऑफ इंडिया, दे आर द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया। तो यू गेट टू लर्न द बेस्ट एंड यू लर्न फ्रॉम द बेस्ट। आप एकदम बेस्ट पढ़ते हो और आप बेस्ट एजुकेटर से पढ़ते हो। ना केवल ये आपको अन अकेडमी वीकली रिपोर्ट्स देगा कि आपने पूरे वीक में कैसे इम्प्रूव किया, कैसे आप इम्प्रूव और कर सकते हो, एक पूरा एक एनालिसिस रिपोर्ट होगी। अन अकेडमी आपको स्टडी मटीरियल देगा, अन अकेडमी आपका स्टडी का प्लान बना के देगा यार, कि कैसे कौन से चैप्टर कितने टाइम पे कब कब कवर करने हैं। लाइव टेस्ट सीरीज होंगी, प्रैक्टिस टेस्ट होंगे और आप अपने घर बैठे बैठे ये सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं। बेनिफिट्स और हैं, हम और बात करेंगे अन अकेडमी के बेनिफिट्स की, लेकिन इतने सारे जो बेनिफिट्स मैंने अभी बताए हैं, अगर आपको वो अवेल करने हो, वो सारे बेनिफिट्स चाहिए हो, बेसिकली अगर आपको अपने रिजल्ट्स इंप्रूव करने हो, तो अन अकेडमी इज द प्लेटफॉर्म। क्योंकि अन अकेडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है और इस लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म में इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स पढ़ाते हैं। तो आपको तो ये चांस मिस ही नहीं करना चाहिए। अभी के अभी डाउनलोड करो अन अकेडमी का लर्नर्स ऐप, एनरोल योरसेल्फ टू एनी ऑफ द कोर्स ऑफ योर चॉइस। जो कोर्स आपको पढ़ने का मन हो उसको पढ़ो, लर्न फ्रॉम द बेस्ट, एंड मेरा कोड यूज करना मत भूलना, बिकॉज आपको उससे 10% डिस्काउंट मिल जाएगा आपको जो भी कोर्स सब्सक्राइब करना है। तो ये तो हुई अन अकेडमी की थोड़ी सी बातें। अब मैं अपने बारे में कुछ बताती हूँ। सो माई नेम इज प्रतीक्षा जैन, आई टीच सोशल साइंस टू ग्रेड 7, आई एम वन ऑफ द एजुकेटर्स एट अन अकेडमी, आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड आई डिड माई BA इन साइकोलॉजी। अब हम बात करेंगे अपने चैप्टर की, जो कि आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, एंड दैट इज चैप्टर 6, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। बट उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं अब करूंगी। तो मेरे जितने भी पहले के व्यूअर्स हैं, उन सबको तो पता है मैम अब क्या करने वाली है, बट फॉर ऑल माय न्यू व्यूअर्स मैं बता दूं कि कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं बताती हूँ कि जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं वो क्यों इम्पोर्टेंट है। व्हाट डज दिस टर्म ज्योग्राफी मीन, ये जो टर्म है इसको इसका क्या मतलब है, ये कैसे बनता है, ये सब मैं अभी बताऊंगी। क्यों बताऊंगी? क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि क्या होता है ना, हम चैप्टर पढ़ लेते हैं, हम एकदम रट रटा के अच्छे से समझ के चैप्टर एग्जाम में करके चले जाते हैं, हम एग्जाम में अच्छे से आंसर्स भी लिख देते हैं, अच्छे मार्क्स भी आ जाते हैं, कोई डाउट नहीं है उसमें, लेकिन हमारी नॉलेज तो इनकम्प्लीट ही रह गई ना। क्योंकि हमें तो जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी, उसका मतलब ही नहीं पता। 90% लोगों को अगर मैं पूछूं कि ज्योग्राफी जो वर्ड है इसका मतलब क्या है, तो कोई मीनिंग नहीं पता, किसी को मीनिंग नहीं पता होता, सब हंसते रहते हैं।
ये नहीं करना है हमको. वी हैव टू स्टैंड आउट फ्रॉम द लीग, वी हैव टू स्टैंड आउट. एक पूरे क्राउड में भी हम अलग दिखने चाहिए. और कैसे दिख सकते हैं? नॉलेज के थ्रू, बिकॉज नॉलेज इज द मोस्ट पावरफुल एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन वन कैन पोसेस. तो हमें अपनी नॉलेज को एकदम एनहांस करना है, इम्प्रूव करना है. हमें पूरी कंप्लीट नॉलेज हर चीज़ की होनी चाहिए. एंड इसी के कारण से मैं आपको बताऊंगी पहले कि ज्योग्राफी जो टर्म है, ये जो सब्जेक्ट है, इसका क्या मीनिंग होता है. एंड देन वील ग्रेजुअली मूव ऑन टू आर चैप्टर 6, दैट इज नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. तो पहले बात करेंगे ज्योग्राफी क्या होता है. क्या होता है ना, ज्योग्राफी दो ग्रीक वर्ड से बनी हुई है, यानी कि ग्रीक लैंग्वेज से ये जो टर्म्स हैं जियो एंड ग्राफी, ये डिराइव हुए हैं ग्रीक लैंग्वेज से. अब जियो का मतलब होता है अर्थ और ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग. तो अगर हम लिटरल सेंस में बात करें तो यानी कि अर्थ के बारे में कुछ राइटिंग, अर्थ के बारे में या अर्थ का कुछ डिस्क्रिप्शन, उस टाइप की राइटिंग्स. बट वेन वी कम्बाइन दीज टू टर्म्स एंड मेक इट वन टर्म, दैट इज ज्योग्राफी, तो उसका मतलब होता है स्टडी ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ से रिलेटेड सब कुछ. सिर्फ अर्थ का डिस्क्रिप्शन नहीं, अर्थ की कितनी लेयर्स हैं, अर्थ पे क्या होता है, अर्थ के पे क्या वेजिटेशंस होते हैं, कितने ओशंस हैं, कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, सब कुछ. अर्थ की संपूर्ण जानकारी अगर किसी सब्जेक्ट में मिलती है देन दैट इज ज्योग्राफी. तो नेक्स्ट टाइम जब आप अपनी ज्योग्राफी की बुक खोलोगे ना बच्चों, तो आपको एकदम से क्लिक करना चाहिए कि मैम ने क्या बताया था. ज्योग्राफी अगर बुक खोली है तो मतलब आज जो है इस बुक के अंदर हम अर्थ से रिलेटेड ही कुछ ना कुछ पढ़ेंगे. सो दैट इज स्टडी ऑफ द अर्थ, अर्थ से रिलेटेड सब कुछ कम्स अंडर द सब्जेक्ट दैट इज ज्योग्राफी. तो आई होप ज्योग्राफी ये जो टर्म है इसका क्या मीनिंग होता है ये आपको एकदम अच्छे से क्लियर होगा और याद रहेगा. अब हम अपने चैप्टर की तरफ पढ़ते हैं. तो चैप्टर में दो टर्म्स थे, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. वाइल्ड लाइफ तो आपको पता ही है किस टाइप के एनिमल्स होते हैं, क्या बर्ड्स होती है किसी पर्टिकुलर एरिया में या रीजन में, तो उसको हम कहते हैं वाइल्ड लाइफ. बट अब हम बात करेंगे पहले नेचुरल वेजिटेशन की. सो नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है? ऐसे प्लांट्स या ऐसे ट्रीज जो नेचुरली ग्रो हो गए हों, यानी कि जो हम इंसान हैं, जो ह्यूमंस हैं, उनका कोई इंटरफेरेंस ना हो या कोई हेल्प ह्यूमंस ने नहीं प्रोवाइड करी हो उन प्लांट्स को, और ये प्लांट्स अपने आप ही मैजिकली उग गए हों, ऐसे प्लांट्स को, ऐसे प्लांट्स के कवर को हम कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन. सो नेचुरल वेजिटेशन इज प्लांट्स दैट ग्रो नेचुरली विदाउट एनी ह्यूमन एड, बिना किसी इंसान की मदद के जो प्लांट्स उग जाते हैं अपने आप ही नेचुरली, उन्हें हम कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन. अब ये जो नेचुरल वेजिटेशन है ना, ये हर जगह की अलग अलग होती है. तो अगर आप किसी हिल स्टेशन पे गए हो गया किसी सिटी से, तो सिटी में जो प्लांट्स होते हैं, जो ट्रीज होते हैं, वो बहुत अलग होते हैं, और किसी हिल स्टेशन पे जो प्लांट्स और ट्रीज होते हैं वो बहुत अलग होते हैं. अगर केरला से कोई ये वीडियो देख रहा है तो वहाँ के प्लांट्स कंपेयर टू जम्मू एंड कश्मीर बहुत अलग होंगे. अगर कोई राजस्थान से ये वीडियो देख रहा है तो राजस्थान की जो वेजिटेशन है, जो प्लांट्स राजस्थान में नेचुरली उगते हैं, यानी कि कैक्टस और जो डेजर्ट के प्लांट्स होते हैं, वो बहुत अलग होते हैं एज कम्पेयर टू लेट्स से महाराष्ट्र की वेजिटेशन या इवन मध्य प्रदेश की जो वेजिटेशन होती है. तो हर जगह की अलग अलग वेजिटेशन होती है. अभी वेजिटेशन अलग क्यों होती है? तो देर आर सर्टेन फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस दिस वेजिटेशन, एंड जिसके कारण से हर जगह पे अलग अलग वेजिटेशन होती है. अभी फैक्टर्स क्या है? तो पहला फैक्टर है हाइट ऑफ द लैंड, यानी कि जो लैंड है जहाँ पे ये प्लांट्स और ट्रीज उग रहे हैं उसकी हाइट कितनी है. मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हिल स्टेशन होते हैं या कोई माउंटेन्स होते हैं जो ऑब्वियसली बहुत हाइट पे होते हैं, तो वहाँ की जो नेचुरल वेजिटेशन है दैट विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम लेट्स से जयपुर में कैसी वेजिटेशन है या दिल्ली में कैसी वेजिटेशन है. क्योंकि ये जो एरियाज हैं ये बहुत हाइट पे नहीं है, जयपुर और दिल्ली नॉर्मल हाइट पे, बल्कि बिल्कुल हाइट पे ही नहीं है, प्लेन सर्फिस पे अर्थ के. थोड़ी सी अरावली की रेंज आती है राजस्थान में, तो वहाँ की वेजिटेशन विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम कोई एक लेट्स से कुल्लू मनाली या शिमला की वेजिटेशन जो कि एक हिल स्टेशन है. तो हाइट ऑफ द लैंड मैटर्स अ लॉट. लैंड यानी कि जो जमीन है उसकी क्या हाइट है वो बहुत मैटर करती है. देन सेकेंड फैक्टर इज क्लाइमेट.
जिस जगह का क्लाइमेट है, जहाँ पे कोई हॉट क्लाइमेट होता है, कहीं पे रेनी क्लाइमेट होता है, कहीं पे कोल्ड क्लाइमेट होता है ना, तो हर क्लाइमेट पे अलग अलग टाइप की वेजिटेशन होती है। तो जैसे जम्मू एंड कश्मीर में बहुत कोल्ड वेदर होता है तो, और माउंटेन्स भी होते हैं वहाँ पे, तो वहाँ की वेजिटेशन बहुत अलग होती है एज कम्पेयर टू थार डेजर्ट की वेजिटेशन जो कि राजस्थान में है। अब राजस्थान का टेम्परेचर हमने पढ़ा है कि बहुत हॉट और ड्राई होता है, यानी कि बारिश भी बहुत कम होती है और बहुत गर्मी पड़ती है। तो राजस्थान का वेजिटेशन जो है वहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग बहुत अलग वेजिटेशन होगी। तो हाइट ऑफ द लैंड एंड इवन जिस जगह पे वेजिटेशन है वहाँ का जो क्लाइमेट है वो भी बहुत मैटर करता है। थर्ड फैक्टर इज टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। टेम्परेचर भी क्लाइमेट के ही एक बहुत सब टॉपिक हो गया कि जहाँ पे बहुत गर्मी होगी वहाँ का वहाँ की जो वेजिटेशन है वो बहुत अलग होगी एज कम्पेयर टू जहाँ पे बहुत ठंड पड़ रही है, जहाँ पे बहुत बारिश हो रही है। तो टेम्परेचर भी बहुत मैटर करता है वेजिटेशन में। मॉइस्चर जैसे कि हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था, दैट इज हमने एयर एंड वाटर दोनों में पढ़ा था। मॉइस्चर क्या होता है? मॉइस्चर इज बेसिकली हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारी एयर में कितने वाटर वेपर्स होते हैं। अगर आपको नहीं पता ये पूरा प्रोसेस, मॉइस्चर क्या होता है, ह्यूमिडिटी क्या होती है, या वाटर वेपर्स कैसे बनते हैं, तो प्लीज़ गो एंड रेफर टू माय प्रीवियस वीडियोस जहाँ पे मैंने ये सब बहुत डिटेल में समझाया हुआ है एयर चैप्टर के अंदर, एंड इवन वाटर चैप्टर में भी थोड़ा सा लिंक है, तो आप ये दोनों वीडियोज जाके देख सकते हैं सो दैट आपके कॉन्सेप्ट जो एकदम टिप्स पे हों और एकदम क्लियर हो। सो मॉइस्चर बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हो कि हवा में कितनी नमी होती है, कितना मॉइस्चर होता है, कितनी ह्यूमिडिटी होती है, वो भी बहुत अफेक्ट करती है कोई भी जगह के प्लांट्स को। एंड लास्टली जो स्लोप और सॉइल की जो थिकनेस होती है, कहने का मतलब ये है अगर सॉइल ऐसे स्लोप पे होगी तो ऑब्वियसली कभी बारिश आएगी तो वो पानी बह जाएगा, जो सॉइल के जो मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी बह जाएंगे क्योंकि वो स्लोप पे है, ढलान पे है, तो वो भी बहुत मैटर करता है। एंड थिकनेस ऑफ द सॉइल, थिकनेस ऑफ द सॉइल यानी मिट्टी जो है जहाँ पे प्लांट्स उग रहे हैं या जो ट्रीज हैं वो ग्रो हो रहे हैं उसकी कितनी थिकनेस है, वो कितनी मोटी मिट्टी है, यानी कि अगर बहुत थिन लेयर ऑफ सॉइल होगी तो वहाँ पे ऑब्वियसली बहुत मोटे मोटे पेड़ नहीं होंगे, वहाँ पे छोटी छोटी ग्रास हो सकती है, वहाँ पे श्रब्स हो सकती है या छोटे छोटे बहुत पतली ट्रंक के ट्रीज हो सकते हैं। बट अगर सॉइल अच्छी खासी थिक है, मोटी है, तो ऐसी जगहों पे जो है बहुत बड़े बड़े जो ट्रीज होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग ट्रीज होते हैं, वो ग्रो कर सकते हैं। तो ये चार फैक्टर हैं जिसके जिसके कारण जो नेचुरल वेजिटेशन है वो हर जगह की अलग होती है। इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड दीज फैक्टर्स आर हाइट ऑफ द लैंड, क्लाइमेट, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर एंड स्लोप एंड थिकनेस ऑफ द सॉइल। तो आई होप नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है और क्या फैक्टर्स होते हैं वो आपको एकदम क्लियर होगा। अब बेस्ड ऑन दीज फैक्टर्स, ये जो चार फैक्टर हमने पढ़े इसके बेसिस पे हम जो है नेचुरल वेजिटेशन को तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी है फॉरेस्ट, सेकेंड इज ग्रासलैंड एंड थर्ड इज श्रब्स। सो बेसिकली ये जो चैप्टर है हम ये तीन जो नेचुरल वेजिटेशन की जो कैटेगरीज है पूरे चैप्टर में हम यही बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो बट पहले हमें ये समझना होगा फॉरेस्ट क्या होते हैं, ग्रासलैंड क्या होते हैं, श्रब्स क्या होते हैं, तभी तो हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे ना, है ना। तो पहले हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट क्या होते हैं। तो ऐसी जगह जहाँ पे टेम्परेचर और जो रेनफॉल है वो बहुत प्लेंटीफुल होते हैं, यानी कि फॉरेस्ट ग्रो वेयर टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर प्लेंटीफुल टू सपोर्ट ट्री कवर, यानी कि जो टेम्परेचर्स होते हैं वो अच्छे खासे होते हैं, ऐसे टेम्परेचर्स होते हैं जो ट्रीज की ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं, यानी कि जो पेड़ की जो ग्रोथ है, जो उसकी जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स उसको ग्रो होने में चाहिए वो टेम्परेचर, ऐसे सूटेबल टेम्परेचर्स जिन जगहों पे होती है जहाँ पे बहुत बारिश होती है, ऐसी जगह पे जो है वहाँ पे बहुत सारे ट्रीज उगते हैं और ये ट्रीज बहुत पास पास होते हैं, इस कारण से पूरा फॉरेस्ट डेवलप हो जाता है। सो फॉरेस्ट यानी कि जंगल, फॉरेस्ट ग्रो बाय टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर प्लेंटीफुल, यानी कि बहुत सारा, बहुत क्वांटिटी में होती है रेनफॉल, बहुत हाई टेम्परेचर्स हो सकते हैं ऐसी जगहों के,
एंड दिस टेम्परेचर एंड रेनफॉल सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ द ट्री. और ये जो ट्रीज होते हैं बहुत डेंस होते हैं, यानी कि पास पास होते हैं. आपने किसी मूवी में भी अगर कोई जंगल का सीन देखा होगा तो वहां आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं और वो पेड़ बहुत पास पास होते हैं, तो वो होते हैं फॉरेस्ट. क्लियर? आई होप क्लियर ही होगा. अब हम बात करते हैं ग्रासलैंड्स की. तो ग्रासलैंड्स क्या होते हैं? एज द नेम सजेस्ट, ग्रासलैंड. ग्रासलैंड क्या होते हैं? ऐसी लैंड, ऐसी जगह जहाँ पे दूर दूर तक सिर्फ हमें घास ही घास दिखे. यानी कि जैसे कि आप ये पिक्चर भी देख सकते हो, ये पिक्चर एक ग्रासलैंड की है. जितनी दूर तक आप देख सकते हो वहाँ पे सिर्फ ग्रास ही ग्रास, एक ग्रास की एक कह सकते हैं ग्रीन बेडशीट लैंड ने ओढ़ी हुई है. ऐसा अगर हमें कहीं लगे जहाँ पे हमें दूर दूर तक सिर्फ घास दिखे, उन लैंड्स को हम कहते हैं ग्रासलैंड्स. एंड नाउ मूविंग ऑन टू श्रब्स. तो श्रब्स क्या होते हैं? थॉर्नी श्रब्स ग्रो इन ड्राई रीजन. थॉर्नी श्रब्स होते हैं यानी कि कांटेदार झाड़ियाँ. जिन झाड़ियों से या जिन श्रब्स से कांटे निकलते हो, थॉर्न्स निकल रहे हो, और ये कहाँ ग्रो होते हैं? ये ड्राई रीजन में ग्रो होते हैं. ड्राई रीजन यानी कि जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती है या बिल्कुल ही नहीं होती है, उन जगहों का हम ड्राई रीजन्स कहते हैं. और ऐसी जगहों पे ये कांटीले जो श्रब्स हैं, थॉर्नी श्रब्स हैं, ये ग्रो करते हैं. तो आई होप ये जो तीन जो कैटेगरीज है नेचुरल वेजिटेशन की, ये भी आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि फॉरेस्ट क्या है, ग्रासलैंड्स किसे कहते हैं और श्रब्स किसे कहते हैं. अब हम इन्हें और डिटेल में ही पढ़ेंगे. हम पहले फॉरेस्ट पढ़ेंगे, फिर हम ग्रासलैंड पढ़ेंगे, और ग्रासलैंड के ही अंदर हम थॉर्नी श्रब्स भी थोड़ा सा पढ़ेंगे. बहुत थोड़ा थोड़ा सा हम इनके बारे में जानेंगे, बट फॉरेस्ट जो है उनको तो अभी हम एकदम डिटेल में समझेंगे कि फॉरेस्ट कितने टाइप के हैं और कैसे वो अलग है एक दूसरे से. तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, देयर आर सिक्स टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट. कौन कौन से? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, फिर आते हैं मेडिटेरेनियन वेजिटेशन और कॉनिफेरस फॉरेस्ट. ये छह टाइप के फॉरेस्ट होते हैं और अभी हम ये सारे वन बाय वन एकदम डिटेल में एकदम अच्छे से पढ़ेंगे. बट उससे पहले आपको थोड़ी चीजें जानना बहुत जरूरी है. अगर आप फर्स्ट फोर फॉरेस्ट जो मैंने यहाँ लिखे हैं उनको ध्यान से देखेंगे तो कुछ टर्म आपको हाईलाइटेड दिखेंगे और कुछ टर्म आपको अंडरलाइन दिखेंगे. तो ये ऐसा क्यों किया है? देखिए, पहले हम पढ़ेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, फिर हम पढ़ेंगे टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट और हम पढ़ेंगे टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट. तो एक तरह से देखें तो फॉरेस्ट तो दो टाइप के ही हम पढ़ने वाले हैं, एवरग्रीन और डेसिडियस, लेकिन जो रीजन है वो चेंज हो रहे हैं. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट. तो ट्रॉपिकल रीजन क्या होते हैं, टेम्परेट रीजन क्या होते हैं, पहले अभी हम वो समझेंगे. बाद में हम विल मूव ऑन ग्रेजुअली कि एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होते हैं और डेसिडियस फॉरेस्ट क्या होते हैं और ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होता है और ट्रॉपिकल डेसिडियस क्या होते हैं फॉरेस्ट, एंड हाउ आर दीज ट्रॉपिकल फॉरेस्ट डिफरेंट फ्रॉम टेम्परेट वाले फॉरेस्ट, टेम्परेट एवरग्रीन एंड टेम्परेट डेसिडियस. बहुत कंफ्यूजन हो सकता है आपको यहाँ पे और आप सोच रहे हो कि मैम क्या कंफ्यूज कर रहे हो, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडियस, टेम्परेट एवरग्रीन, टेम्परेट डेसिडियस, ये क्या है ट्रॉपिकल और टेम्परेट, और इतने सारे एवरग्रीन लिख दिए, इतने सारे डेसिडियस लिख दिए. तो बच्चों बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, हम वन बाय वन जैसे जैसे करते जाएंगे आपको एक एक चीज एकदम क्लियर होगी. बट पहले हम समझेंगे ट्रॉपिकल रीजन्स क्या होते हैं और टेम्परेट रीजन्स क्या होते हैं, ताकि जो आपके जो कॉन्सेप्ट्स हो एकदम क्लियर हो जाए. और ये हम कैसे समझेंगे, इसी के लिए तो मैंने यहाँ पे एक मैप डाला है. अगर आप इसको ढंग से देखोगे तो हमने ये पहले वाली क्लासेस में पढ़ा है कि छह लैटिट्यूड्स होती हैं. एक होता है सबसे जो मिडिल होती है जो लैटिट्यूड, जो अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, दैट इज इक्वेटर. इक्वेटर के जो ऊपर होता है दैट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इक्वेटर के जो नीचे होता है वो सदर्न हेमिस्फीयर होता है. ये सब हमने सिक्स स्टैंडर्ड में पढ़ा है. बट इक्वेटर के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की अगर मैं बात करूं तो इक्वेटर के ऊपर होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर भी होता है आर्कटिक सर्कल जैसे कि आप देख रहे हो, और इक्वेटर के नीचे होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. यानी कि अगर मैं सदर्न हेमिस्फीयर की बात करूं
तो इक्वेटर के नीचे है ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन, और ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन के नीचे है एंटार्क्टिक सर्कल। एंटार्क्टिक सर्कल यानी आप एंटार्क्टिका से याद रख सकते हो, एंटार्क्टिका से एंटार्क्टिक सर्कल। ठीक है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर के क्या क्या लैटिट्यूड्स हैं ये तो आपको ऑलरेडी क्लियर होगी, बट पहले हम समझेंगे कि ट्रॉपिकल रीजन क्या होते हैं। सो एज द नेम सजेस्ट, ट्रॉपिकल यानी कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन के बीच में जो एरिया है, जो रीजन है, उसे हम कहते हैं ट्रॉपिकल जोन। यानी कि ये जो आपको दिख रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पे, और ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है सदर्न हेमिस्फेयर में, इन दो लैटिट्यूड्स के बीच में जितनी भी रीजन्स आते हैं, जितनी भी कंट्री या कॉन्टिनेंट के जो भी एरियाज आ रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं ट्रॉपिकल जोन। ये बीच में लिखा हुआ भी है जहां कर्सर मैं मूव कर रही हूँ, ये पूरा जो है इसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल जोन। तो आपको एकदम क्लियर होगा कि जो भी एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन तक आता है, उन्हें हम कहते हैं ट्रॉपिक रीजन। यानी कि जो अब हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट पढ़ेंगे, वो बेसिकली ये जो पूरा एरिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन के बीच का जो एरिया है, ये फॉरेस्ट वहीं कहीं होंगे। अब एग्जैक्ट लोकेशन तो हम जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे आपको पता चलती ही जाएगी, बट ये बेसिकली इसी जोन में, इसी रीजन में ये वाले फॉरेस्ट होंगे। अब हम बात करेंगे टेम्परेट जोन की। तो टेम्परेट जोन क्या होता है, अगर मैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की बात करूं यानी इक्वेटर के ऊपर वाले हिस्से की, तो जो रीजन, जो एरिया आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में आता है, यानी कि ये वाला एरिया, ये वाला जो पूरा एरिया जो आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में जो आ रहा है, उसे हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का टेम्परेट जोन। और वहीं अगर मैं सदर्न हेमिस्फेयर की बात करूं, तो ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन से लेके एंटार्कटिक सर्कल के बीच में जो जोन है, यानी कि ये वाला जहाँ पे मैं अपना कर्सर घुमा रही हूँ, ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन से लेके एंटार्कटिक सर्कल के बीच में जो जोन है, जो एरिया है, उसे हम कहते हैं सदर्न हेमिस्फेयर का टेम्परेट जोन। तो आई होप टेम्परेट जोन का भी जो एरिया है, कौन सा रीजन है, वो आपको एकदम अच्छे से समझ आ गया होगा। ट्रॉपिकल रीजन तो वैसे ही बहुत ईजी है समझने के लिए, ट्रॉपिक से हम याद कर सकते हैं, बट एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो टेम्परेट जोन जो मैंने जस्ट आपको अभी समझाया है, टेम्परेट जोन को मिड लैटिट्यूडनल जोन भी कहते हैं। अभी मिड लैटिट्यूडनल जोन क्या होता है, तो अगेन लुक एट दिस मैप वेरी केयरफुली। क्या होता है, ये जो टेम्परेट जोन है ये दो लैटिट्यूड्स के बीच में है, कौन कौन सी, आर्कटिक सर्कल का पूरा एरिया यानी कि जो पोलर जोन है वो, और जो ट्रॉपिक और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके जो इक्वेटर के बीच का एरिया यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का जो ट्रॉपिकल जोन है, इन दो लैटिट्यूड्स के बीच में जो जोन है उसे हम कहते हैं टेम्परेट जोन, इसलिए हम इसको मिड लैटिट्यूडनल जोन भी कहते हैं। मिड यानी बीच में, दो लैटिट्यूड्स के बीच में ये जोन होता है, इसलिए मिड लैटिट्यूडनल जोन भी इसे हम कहते हैं। कौन सी दो लैटिट्यूड्स के बीच में होता है, तो अगर हम नॉर्दर्न टेम्परेट जोन की बात करें, तो ऑफकोर्स आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में जो एरिया है उसे हम टेम्परेट जोन कहेंगे, और सदर्न हेमिस्फेयर की बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन से लेके एंटार्कटिक सर्कल के बीच में जो रीजन है, जैसा कि मैंने जस्ट अभी बताया था, उसे हम टेम्परेट जोन कहेंगे। और टेम्परेट जोन को ही मिड लैटिट्यूडनल जोन भी कहते हैं, क्योंकि ये दो लैटिट्यूड्स के बीच में है, दैट इज मिड लैटिट्यूडनल। मिड यानी बीच में, और लैटिट्यूडनल यानी दो लैटिट्यूड्स के जो बीच में है, मिड लैटिट्यूडनल, उस जोन को हम टेम्परेट जोन भी कहते हैं, या टेम्परेट जोन को हम मिड लैटिट्यूडनल जोन भी कहते हैं। ये आगे थोड़ा सा काम आने वाला है, इसलिए मैं इतना एम्फेसिस दे के आपको बता रही हूँ कि ट्रॉपिकल जोन कौन से है, टेम्परेट जोन कौन सा रीजन है, कौन सा एरिया होता है, और टेम्परेट जोन को मिड लैटिट्यूडनल जोन क्यों कहते हैं। तो ये तो बात हुई ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड डेसिडियस फॉरेस्ट की, और टेम्परेट एवरग्रीन एंड डेसिडियस फॉरेस्ट की, कि हमें इनके रीजन पता चल गए ये कहाँ कहाँ होने वाले। इसके अलावा दो और फॉरेस्ट होते हैं, तो फिफ्थ नंबर का फॉरेस्ट इज मेडिटेरेनियन वेजिटेशन एंड सिक्स्थ इज कॉनिफेरस फॉरेस्ट। ठीक है, अब हम धीरे धीरे एक एक फॉरेस्ट को प्रोसीड करेंगे। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, आप भी बहुत एक्साइटेड होने चाहिए, बिकॉज ये चैप्टर जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत स्कोरिंग है,
एक बार अगर अच्छे से समझ आ गया तो आपको इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें एकदम फुल मार्क्स आ सकते हैं। तो ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना है हमें, जस्ट स्टे ट्यून एंड स्टे कनेक्टेड कि मैं कैसे कैसे क्या क्या पढ़ा रही हूँ। एकदम कॉन्सेंट्रेशन का, कान आंखें एकदम खोल के पढ़ना शुरू करो आप, और मैं भी एकदम एक्साइटमेंट के साथ पढ़ा रही हूँ। सो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो कि हमारा पहला फॉरेस्ट था, तो अब इसके बारे में हम इसके फीचर्स जानते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। ये क्यों कहते हैं ये बस एकदम 10-15 सेकंड में ही मैं बताऊंगी, बट अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद करो कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। ये बस दिमाग में अभी बैठा लो, एकदम फिट कर लो, हम इसके बारे में थोड़ी सी देर में बात करेंगे। ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ होते हैं, इसकी लोकेशन क्या है? सो दे आर नियर इक्वेटर, जो इक्वेटर होती है उसके आसपास होता है। इट इज क्लोज टू ट्रॉपिक्स, यानी कि ऑब्वियसली ट्रॉपिकल है तो ट्रॉपिकल रीजन में ही होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही कहीं होगा। तो इक्वेटर के पास होते हैं ऐसे फॉरेस्ट और ट्रॉपिक्स के भी क्लोज होते हैं। अब यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है? यहाँ का क्लाइमेट होता है बहुत हॉट। ये बात आपको अब एकदम क्लियर होगी कि इक्वेटर के पास जो जगह होती है वहाँ का क्लाइमेट, जो टेम्परेचर होता है वो बहुत हाई ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि इन जगहों पे जो सन है उसकी एकदम डायरेक्ट रेज आती है, एकदम डायरेक्ट सन सनलाइट पड़ती है इन जगहों पे, इसलिए यहाँ का जो क्लाइमेट होता है ये बहुत हॉट होता है। एंड बिकॉज हॉट होता है तो यानी कि गर्मी बहुत है जो, तो इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा जल्दी होगा। इवेपोरेशन होगा तो हमने पुराने चैप्टर्स में पढ़ा था, जितना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा उतना ज़्यादा क्लाउड फॉर्मेशन होगा, और जितने जल्दी क्लाउड फॉर्म्स होंगे और जितनी जल्दी यू नो वो भारी होंगे तो बारिश आएगी। तो यहाँ पे बहुत गर्मी होती है, गर्मी के कारण इवेपोरेशन जो है वो बहुत फास्ट होता है, और इवेपोरेशन जितना फास्ट होता है उतनी जल्दी क्लाउड फॉर्म्स होते हैं और उतनी जल्दी बारिश आती है। तो अब यहाँ का क्लाइमेट इतना हॉट है कि यहाँ पे ऑलमोस्ट हर दिन बारिश आती है। सो दिस फॉरेस्ट रिसीव हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल 365 दिन यहाँ पे बारिश ही बारिश होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इतना हॉट क्लाइमेट होता है कि जो क्लाउड्स हैं बहुत जल्दी जल्दी बनते हैं और ऑलमोस्ट हर दिन यहाँ पे बारिश होती है और बहुत हैवी रेनफॉल्स होती है, ठीक है। तो यहाँ का क्लाइमेट कैसा है? यहाँ पे हॉट क्लाइमेट है। एंड दीज फॉरेस्ट रिसीव रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, हैवी रेनफॉल्स थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। अब हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत हैवी रेनफॉल होती है, यहाँ पे ड्राई सीजन बिल्कुल नहीं होता, पूरे टाइम वेट सीजन ही होता है, पूरे टाइम बारिश ही हो रही होती है। तो यहाँ पे जो ट्रीज है, यहाँ पे जो प्लांट्स है ना, वो हमेशा उनके पास वाटर जो है अवेलेबल होता है। और आपने साइंस में पढ़ा होगा कि जो ट्रीज है उनको वाटर की बहुत ज़रूरत होती है। सो वाटर इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ ट्रीज टू ग्रो। अगर किसी ट्री को बड़ा होना है, ग्रो करना है, तो उनके लिए पानी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पानी नहीं होगा तो जो पेड़ है वो मर जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो है अब पानी तो अबंडेंट क्वांटिटी में, अब रोज ही बारिश हो रही है, रोज ही जो है इंद्र देवता बरस रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं इस जगह पे, तो बारिश तो है वो यहाँ पे रोज आ रही है, यानी कि पानी की तो कोई कमी नहीं है इन फॉरेस्ट को। तो ये फॉरेस्ट क्या है, यहाँ की जो प्लांट्स जो ट्रीज हैं ये क्या है, ये बहुत स्मार्ट हो गए हैं। ये अपनी जो लीव्स है ये शेड ही नहीं करते हैं, ये अपनी लीव्स को गिराते ही नहीं है नीचे। सो यहाँ के जो ट्रीज हैं दे डू नॉट शेड देयर लीव्स होल ईयर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पानी अवेलेबल होता है। अगर पानी अवेलेबल नहीं होगा तो देन जो है पत्तियां मरने लग जाएगी, जो पेड़ है जो पौधा है वो धीरे धीरे मरने लग जाएगा, है ना। ये सब हमने साइंस में पढ़ा था। बट यहाँ पे तो हैवी रेनफॉल ऑलमोस्ट हर दिन यहाँ पे बारिश हो रही है, हर दिन यहाँ पे बारिश हो रही है, तो यहाँ के जो पेड़ है उनके पास बहुत अबंडेंट क्वांटिटी में पानी है, और क्योंकि इनके पास बहुत पानी है इनकी जो लीव्स है दे डू नॉट शेड देयर लीव्स, इसी कारण से इनको कहते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो अब आपको समझ आया होगा कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को ही ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्यों कहते हैं। सो इट इज वेरी सेल्फ अंडरस्टैंडेबल फ्रॉम दिस टू टर्म्स, इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट,
एवरग्रीन मतलब एवर एंड ग्रीन, जो हमेशा हरा भरा रहे। ये हमेशा हरा भरा या ये फॉरेस्ट हमेशा एवरग्रीन क्यों होते हैं? तो ये फॉरेस्ट हमेशा एवरग्रीन होते हैं क्योंकि यहाँ पे एवरी टाइम रेन्स हो रही होती है, इसलिए हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। रेन फॉरेस्ट यानी ऐसे फॉरेस्ट जहाँ पे जो रेन्स हैं वो बार बार होती ही रहती है, इसलिए इनका नाम ही लोगों ने रेन फॉरेस्ट रख दिया है। तो आई थिंक अब आपको क्लियर होगा जो मैंने स्टार्ट की थी कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो फॉरेस्ट है यहाँ पे जो ट्रीज है वो हमेशा एवरी टाइम ग्रीन ही रहते हैं, वो कभी मरते नहीं, दे नेवर शेड देयर लीव्स, इसलिए दे आर ग्रीन थ्रू आउट द ईयर, दे आर एवरग्रीन। और एवरग्रीन कैसे होते हैं? बिकॉज यहाँ पे हैवी रेनफॉल्स होती हैं, ये रेन फॉरेस्ट है, यहाँ पे बारिश होती है जंगलों में, इसलिए दे आर ऑल्सो नोन एज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अभी जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होती है ना, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है, दैट इज यहाँ के जो ट्रीज होते हैं दे हैव थिक कैनोपीज। अब बात आती है थिक कैनोपीज क्या होता है मैम? सो थिक कैनोपीज होती है ट्रीज की अपर मोस्ट लेयर, यानी कि जो सबसे, अगर ये ट्री है तो इसका जो सबसे ऊपर की जो पत्तियां हैं, जो सबसे ऊपर की जो लेयर है उसको हम कहते हैं कैनोपी। तो ये यहाँ पे जो फॉरेस्ट है उन लोगों की, उन पेड़ों की होती है बहुत थिक कैनोपी, यानी कि जो अपर मोस्ट लेयर है वो बहुत थिक होती है, वो बहुत वाइड स्प्रेड होती है। इनफैक्ट अगर आप ये इमेज देखेंगे तो ये एरियल व्यू से ली हुई इमेज है, यानी कि पेड़ों के ऊपर से जो इमेज ली हुई है विद द हेल्प ऑफ ड्रोन या जो भी कैमरा होगा, तो वो इमेज ली हुई है। और अगर हम देखेंगे तो ये जितने भी ट्रीज हैं ये इतने बड़े बड़े हैं, इनकी जो टॉप लेयर है इतनी थिक है दैट वी कांट इवन सी द लैंड ऑफ द फॉरेस्ट। जो फॉरेस्ट का जो सरफेस है जहाँ पे मिट्टी है वो भी हम नहीं देख सकते, क्योंकि आपकी जो ट्रीज है इनकी जो अपर मोस्ट लेयर है ये इतनी बड़ी है, इतनी फैली हुई है कि हमें लैंड तक भी नहीं दिख रही। और ये एक फीचर होता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का कि यहाँ पे जो है बहुत ट्रीज की जो है थिक कैनोपीज होती है, और बिकॉज थिक कैनोपीज होती है तो इतनी थिक होती है कि जो सनलाइट है ना वो भी इट कैन नॉट पेनिट्रेट टिल द लैंड, सनलाइट भी लैंड के सरफेस तक नहीं पहुंच पाती। एंड इनफैक्ट नो मैटर बाहर दिन हो रहा है या रात हो रही है, जब आप ऐसे फॉरेस्ट में घूमते हो तो क्योंकि यहाँ पे सनलाइट तो आ ही नहीं पा रही, तो यहाँ पे दिन के टाइम में भी बहुत अंधेरा होता है। और ये जो ट्रीज हैं ये बहुत पास पास होते हैं तो इनकी थिक कैनोपी से काइंड ऑफ अम्ब्रेला बन जाता है, ये इतना बड़ा अम्ब्रेला बनता है कि जो सनलाइट है वो नीचे तक पहुंच ही नहीं पाती है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का, इस पर यूजुअली कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम्स में जरूर आता है। तो ये एकदम हमारे दिल और कान के थ्रू हमारे दिमाग और दिल में बैठ जाना चाहिए दैट थिक कैनोपीज ऑफ क्लोजली स्पेस ट्रीज, यानी कि जो पेड़ बहुत पास पास है उनकी जो थिक कैनोपीज होती है दे डू नॉट अलाउ सनलाइट टू पेनिट्रेट इनसाइड द फॉरेस्ट इवन इन डे टाइम, यानी कि दिन के समय भी सनलाइट जो है वो अंदर घुस नहीं पाती है फॉरेस्ट के अंदर, ये इतनी थिक कैनोपीज होती है इन ट्रीज की। अगर आपने कोई मूवीज भी देखी होगी ना या इवन टीवी सीरीज जहाँ पे यू नो फॉरेस्ट का थोड़ा डिपिक्शन है, तो वहाँ पे आप देखोगे जो जंगल है दिन के टाइम पे भी वहाँ पे बहुत अंधेरा होता है क्योंकि सनलाइट वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती है। So that's a very important feature of tropical evergreen forest that it has thick canopies, जिसके कारण जो है sunlight land तक forest के अंदर तक penetrate नहीं कर पाती, नहीं पहुंच पाती day time में भी, ठीक है। अब हम examples देखते हैं कि इन forest में किस type के trees होते हैं। तो यहाँ पे hardwood trees होते हैं, hardwood यानी ऐसी ट्रीज जिसकी जो ट्रंक होती है, जो लकड़ियां होती है वो बहुत हार्ड होती है, उसका जो पल्प होता है वो बहुत हार्ड होता है, यानी कि रफ एंड टफ लकड़ियां होती है। और ऐसे कौन से ट्रीज होते हैं? तो रोजवुड ट्रीज, इबनी ट्रीज, महोगनी ट्रीज, ये सारे ट्रीज जो है ये हार्डवुड ट्रीज के अंडर आते हैं। और ये सारे हैं एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो आई होप ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के सारे जितने भी फीचर्स हैं, कैसा क्लाइमेट है, इसको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्यों कहते हैं, सब आपको एकदम अच्छे से क्लियर होगा। अब हम बात करेंगे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट की।
ये जो फॉरेस्ट है थोड़े स्लाइटली ऑपोजिट है एवरग्रीन फॉरेस्ट के. अब ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में क्या होता है, दे आर मॉनसून फॉरेस्ट. कहने का मतलब ये है कि जब तक बारिश होती है तब तक ये जंगल होते हैं, अच्छे बड़े जंगल बन जाते हैं. लेकिन जैसे ही रेनी सीजन चला जाता है, जैसे ही बारिश खत्म हो जाती है, ये फॉरेस्ट फॉरेस्ट नहीं रहते. यहाँ के जो ट्रीज हैं वो सूखने लग जाते हैं, वो मरने लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बारिश जो है वो लिमिटेड टाइम के लिए होती है. तो ये बारिश में ही ये जो फॉरेस्ट है ये जंगल बनता है, ये मॉनसून फॉरेस्ट, इसीलिए इन्हें कहते हैं. सो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट आर मॉनसून फॉरेस्ट, यानी कि जब तक मॉनसून है, जब तक बारिश हो रही है, ये अपने अच्छे से जंगल बन के रहेंगे. बट जैसे ही मॉनसून चले जाएगा, जैसे ही बारिश खत्म हो जाती है, ये फॉरेस्ट ही नहीं रहते, दे स्टार्ट द ट्री स्टार्ट डाइंग अप. सो आई होप ये क्लियर होगा दैट ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट आर मॉनसून फॉरेस्ट. अभी कहाँ कहाँ मिलते हैं, सो दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया, नदर्न ऑस्ट्रेलिया एंड सेंट्रल अमेरिका. यानी कि इंडिया में भी बहुत सारी जगहों पे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट अवेलेबल होते हैं. नदर्न ऑस्ट्रेलिया में है, यानी ऑस्ट्रेलिया का जो नॉर्थ वाला पार्ट है, नदर्न पार्ट है, वहाँ पे होते हैं. एंड सेंट्रल अमेरिका में भी डेसिडियस ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट अवेलेबल होते हैं. अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो जिससे हमें पता चलता है कि दे आर क्वाइट ऑपोजिट टू एवरग्रीन फॉरेस्ट, और ये फीचर क्या है, दैट दीज ट्रीज शेड देयर लीव्स इन ड्राई सीजन टू कंजर्व वाटर. हमने एवरग्रीन फॉरेस्ट में पढ़ा था कि वहां पे इतना पानी होता है, वहां पे इतनी हैवी रेनफॉल होती है, जिसके कारण जो ट्रीज है उनके पास बहुत पानी होता है, और जिसके कारण द ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स, और इसी कारण से हम उनको एवरग्रीन बोलते थे, है ना. बट डेसिडियस फॉरेस्ट में जो ट्रीज है दे शेड देयर लीव्स, या अपनी जो पत्तियां हैं वो गिराने लग जाते हैं ड्राई सीजन में. ड्राई सीजन का मतलब है वो सीजन जब बारिश नहीं है ज्यादा, यानी कि बारिश नहीं हो रही तब हम कहते हैं ड्राई सीजन. तो ये ट्रीज ऐसा क्यों करते हैं, तो फिर हमें फिर से साइंस का एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, दैट इज ट्रांसपिरेशन. आपने साइंस में पढ़ा होगा, सिक्स में या अभी सेवेंथ में ही पढ़ रहे होंगे, कि जो ट्रीज की जो लीव्स होती हैं उससे होता है ट्रांसपिरेशन. यानी कि जो लीव्स होती हैं उनमें जो वाटर होता है लीव्स के अंदर, वो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर के थ्रू एटमॉस्फेयर में मिल जाती है. यानी कि जो लीव्स है, जो पानी, वो इवेपोरेट होके एटमॉस्फेयर में चला जाता है. अभी ट्रीज बहुत स्मार्ट है, इनको पता है कि अगर हम अपनी पत्तियां रखेंगे, अगर हम वैसे ही हरे भरे पेड़ रहेंगे, तो ज्यादा पानी जो हमारा जो पानी है वो तो सब वाटर वेपर के थ्रू एटमॉस्फेयर में ही रिलीज हो जाएगा, सब भाप बन के ही उड़ जाएगा. लेकिन हमें तो पानी को कंजर्व करना है. तो ये ट्रीज क्या करते हैं, ये इतने स्मार्ट होते हैं कि एक तरकीब निकालते हैं, एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि हम क्या करेंगे, हमारी जितनी पत्तियां है ना हम उन्हें गिरा देंगे, हम शेड कर देंगे अपनी लीव्स, क्योंकि अगर ना लीव रहेंगी तो ना ट्रांसपिरेशन होगा, ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो पानी हवा में जाएगा कैसे. तो बहुत स्मार्ट ट्रीज होते हैं, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो. आई एम जस्ट किडिंग विद द एग्जाम्पल. ट्रीज को तो ऑब्वियसली कोई नॉलेज नहीं होती, इतनी स्मार्टनेस एंड उसकी एक नेचुरल फिनोमेना है. बट आप ऐसे याद रख सकते हो कि ये ट्रीज जो है अपने पानी को कंजर्व करने के लिए, वाटर वेपर बनने और एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाने से बचाने के लिए, ये जो ट्रीज है ये अपनी लीव्स को गिरा देते हैं. कब गिराते हैं, ड्राई सीजन में, यानी कि जब कोई रेनफॉल नहीं होती, देन दीज ट्रीज शेड देयर लीव्स इन ऑर्डर टू कंजर्व वाटर. आई होप ये आपको क्लियर होगा. एंड इस वे में ये एवरग्रीन फॉरेस्ट से ऑपोजिट है, क्योंकि वहां पे तो उनके पास इतना पानी होता है कि उन्हें अपनी पत्तियां गिराने की जरूरत नहीं होती. बट ये बेचारे थोड़े से पानी के मामले में गरीब लोग हैं, इनके पास इतना पानी नहीं है, तो इनको बहुत स्ट्रैटेजी बना के चलना पड़ता है कि कैसे हमें पानी को बचाना है, कैसे हमें अपनी क्या स्ट्रैटेजी लगानी है. तो दे स्टार्ट शेडिंग देयर लीव्स इन ड्राई सीजन टू कंजर्व वाटर. अब डेसिडियस फॉरेस्ट में भी हार्डवुड ट्रीज होते हैं, यानी कि जैसा मैंने अभी बताया, ऐसी ट्रीज जिनकी जो वुड होती है वो बहुत हार्ड होती है, उनका जो पल्प होता है वुड के अंदर का वो बहुत रफ एंड टफ और हार्ड होता है, बहुत रिजिड होता है. तो ऐसी ट्रीज होते हैं यहाँ पे साल, टीक, नीम और शीशम. नीम का पेड़ तो आई एम श्योर आप लोगों ने, बहुत लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा तो आसपास थोड़ा ढूंढो, मिल जाएगा पक्का, क्योंकि नीम के ट्रीज बहुत कॉमन होते हैं सिटीज और टाउन्स में भी. अब ये जो हार्डवुड की ट्रीज है
ये ट्रीज बहुत काम आती है क्योंकि इनकी जो लकड़ियां हैं, इनकी जो ट्रंक है, इससे फर्नीचर बनता है। ये ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शन में बहुत काम आती है। तो ये जो हार्डवुड ट्रीज है, इसके बहुत सारे यूसेजेस हैं। ये फर्नीचर बनाने में काम आती है, ट्रांसपोर्ट कंस्ट्रक्शन में काम आती है। पर ये हार्डवुड ट्रीज कौन से हैं? साल, टीक, नीम और शीशम। तो आई होप यहाँ तक भी क्लियर होगा। अब बात हम करते हैं एनिमल्स की। इन फॉरेस्ट में कौन से एनिमल्स होते हैं? तो बहुत कॉमन एनिमल्स होते हैं यहाँ पे, टाइगर होते हैं, यहाँ पे लायंस होते हैं, यहाँ पे एलिफेंट्स होते हैं, मंकीज होते हैं, लंगूर्स होते हैं। तो ऐसे यहाँ पे बहुत कॉमन वाले ही एनिमल्स मिलते हैं, टाइगर, लायन, एलिफेंट, जो यूजुअली फॉरेस्ट में होते हैं। तो आई होप ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट आपको एकदम क्लियर होगा। तो अभी तक हमने पढ़ा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। अब हम पढ़ेंगे टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल और टेम्परेट में तो आई एम श्योर अब तक आपको जो डिफरेंस है इन दो रीजन्स में वो समझ आ गया होगा, मैंने थोड़ी देर पहले ही समझाया था। सो अब हम ट्रॉपिकल तो कर चुके, ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड डेसिडियस हम कर चुके। अब हम करेंगे टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। तो क्या होता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट वो तो सेम ही है, यहाँ पे भी बहुत बारिश होती होगी, जो ट्रीज हैं वो लंबे लंबे उग जाते होंगे एंड थ्रू आउट द ईयर एवरग्रीन होते होंगे। बट ये क्या डिफरेंस है, ये टेम्परेट रीजन में लोकेटेड है ये फॉरेस्ट, टेम्परेट जोन में आते हैं ऐसे फॉरेस्ट। सो दे आर लोकेटेड इन द मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन। अब हमें ये पता है हम टेम्परेट जोन को मिड लैटिट्यूडनल जोन भी कहते हैं, बट ये जो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है इसके अगर मैं पर्टिकुलर लोकेशन की बात करूँ तो ये कहाँ आते हैं, ये मिड लैटिट्यूडनल जोन में आते हैं। ठीक है, मिड लैटिट्यूडनल जोन के भी जो कोस्टल रीजन है, यानी कि वो रीजन जो सी या ओशन के एकदम पास है, कनेक्टेड है, उन कोस्टल रीजन में मिलते हैं। और कोस्टल रीजन के भी जो ईस्टर्न साइड है कॉन्टिनेंट की, वहां मिलते हैं। ये बड़ा ही डिमांडिंग फॉरेस्ट है, इसकी डिमांड भी खत्म नहीं होती। तो पहले ये मिड लैटिट्यूडनल जोन में आया, मिड लैटिट्यूडनल का भी जो कोस्टल रीजन है वहां पे मिलते हैं, और कोस्टल रीजन का भी जो ईस्टर्न साइड है, ईस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट, इन जगहों पे टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। सो टेम्परेट और एवरग्रीन फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन द मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन। अब कोस्टल रीजन का भी जो ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कोस्ट है या ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट है, वहां पे होते हैं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। और अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो साउथ ईस्ट यूएसए, यानी कि यूएसए का जो साउथ ईस्टर्न पार्ट है वहां पे होते हैं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। साउथ चाइना में, यानी चाइना का जो सदर्न पार्ट है, वहां पे भी ऐसे फॉरेस्ट होते हैं। एंड साउथ ईस्ट ब्राजील में भी ये फॉरेस्ट होते हैं, यानी कि ब्राजील का जो साउथ ईस्टर्न साइड है, क्योंकि हमने जस्ट पढ़ा ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट, तो साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट यूएसए में होते हैं और साउथ ईस्ट ब्राजील में होते हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, ईस्टर्न मार्जिन पे है तो यूएसए में कहाँ होंगे, साउथ ईस्टर्न जगह पे, और ब्राजील पे कहाँ होंगे, वहाँ भी साउथ ईस्टर्न जगह पे होंगे। तो आई होप टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट की लोकेशन आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। यहाँ पे दोनों टाइप के ट्रीज होते हैं, हार्डवुड ट्रीज भी होते हैं और सॉफ्टवुड ट्रीज भी होते हैं। तो अभी तक हमने जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात करी थी वहां पे सिर्फ हार्डवुड की ट्रीज थी, यानी कि वो ट्रीज जिनकी लकड़ियां बहुत हार्ड होती है, बहुत रफ एंड टफ होती है। बट कुछ ऐसे भी पेड़ होते हैं जिनकी जो लकड़ियां हैं बहुत सॉफ्ट होती हैं, उनका जो लकड़ी के अंदर का जो पल्प है वो बहुत सॉफ्ट होता है। तो यहाँ पे दोनों टाइप के ट्रीज होते हैं, हार्डवुड ट्रीज एंड सॉफ्टवुड ट्रीज। अब कौन कौन से ट्रीज होते हैं, तो यहाँ पे ओक होता है, यहाँ पे पाइन होता है, यहाँ पे यूकेलिप्टिस होता है। यूकेलिप्टिस को हम इंडिया में हिंदी में नीलगिरी बोलते हैं, एंड नीलगिरी का तेल भी बहुत फेमस होता है। किसी को जॉइंट पेन होता है या बैक पेन होता है तो वहाँ पे नीलगिरी का तेल लगाते हैं। तो ये जो नीलगिरी है इसी को हम यूकेलिप्टिस कहते हैं। नाउ मूविंग अहेड टू टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। तो अभी तक हमने ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पढ़ लिया, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट भी पढ़ लिया, उसके बाद हमने टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट पढ़ लिया, और अब हम पढ़ रहे हैं टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। तो बात करते हैं पहले कि ये फॉरेस्ट कहाँ होते हैं, इनकी लोकेशन की। तो ये कहाँ होते हैं, टूवर्ड्स द हायर लैटिट्यूड्स। मतलब क्या,
हमें ये पता है ये टेम्परेट जोन में होता है, इट इज बिटवीन टू लैटिट्यूड्स, कौन कौन सी, आर्टिक सर्कल और ये हो सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से लेके जो एंटार्क्टिक सर्कल है उनके बीच में हो सकते हैं। अब इसमें भी जो हायर लैटिट्यूड्स है यानी कुछ 50 डिग्री से 70 डिग्री तक की जो लैटिट्यूड्स हैं, इस जोन में भी जो ऊपर की तरफ की जो लैटिट्यूड्स हैं वहाँ पे ये फॉरेस्ट होते हैं। तो अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स की तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए में होता है, चाइना में ऐसे फॉरेस्ट बहुत होते हैं, न्यूजीलैंड में होते हैं, चिली में होते हैं, कोस्टल रीजन्स ऑफ वेस्टर्न यूरोप यानी जो यूरोप का भी जो वेस्टर्न पार्ट है उस वेस्टर्न पार्ट का भी जो कोस्टल रीजन है वहां पे होते हैं टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। अगेन हमने पढ़ा था ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में क्या पढ़ा था कि वो ट्रीज बहुत स्मार्ट होते हैं, जब ड्राई सीजन होता है दे शेड देयर लीव्स। तो वैसे ही टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट में भी व्हेन देयर इज ड्राई सीजन द ट्रीज शेड देयर लीव्स। अब यहाँ पे कौन कौन से ट्रीज होते हैं, यहाँ पे ओक ट्री होता है, यहाँ पे ऐश ट्री होता है, यहाँ पे बीच ट्री होता है। अगर अब मैं एनिमल्स एंड बर्ड्स की बात करूँ तो यहाँ पे डियर बहुत कॉमन है, वुल्फ बहुत कॉमन है, फॉक्स बहुत कॉमन है और बर्ड्स में यहाँ पे फेजेंट्स एंड मोनाल्स बहुत कॉमन है। सो दिस इज ऑल अबाउट टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। आई होप ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड डेसिडियस फॉरेस्ट आपको क्लियर होगा और टेम्परेट एवरग्रीन एंड डेसिडियस फॉरेस्ट भी आपको एकदम अच्छे से क्लियर होगा। मूविंग अहेड टू आर फिफ्थ काइंड ऑफ फॉरेस्ट दैट इज मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। अभी जो मेडिटेरेनियन है ये कहीं सुना सुना सा लग रहा है ना, मेडिटेरेनियन कहीं तो पढ़ा था हमने, तो कहाँ पढ़ा था, तो याद करो एक मेडिटेरेनियन सी होता है। ये सी किन किन कॉन्टिनेंट्स के पास होता है, तो ये एशिया, यूरोप और अफ्रीका के पास ये सी होता है, मेडिटेरियन सी। यहीं पे जो है मेडिटेरियन वेजिटेशन होती है, यानी कि इन जगहों के पास कौन कौन सी, जो मेडिटेरियन सी के पास है यानी कि यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया, यहाँ पे जो मार्जिन्स पे, कॉन्टिनेंट के मार्जिन्स पे कोस्टल एरियाज में जो वेजिटेशन होती है उसी को कहते हैं मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। यानी कि ये जो मेडिटेरियन सी है इसी के नाम से ये जो नाम है वेजिटेशन का दैट इज इंस्पायर्ड बाय द नेम ऑफ द सी। ठीक है, अब कुछ मेडिटेरियन वेजिटेशन होती है जो इस एरिया के भी बाहर होती है यानी वहां पे जहाँ पे मेडिटेरियन सी नहीं है, वो एरियाज कौन से हैं, तो यूएसए का कैलिफोर्निया, साउथ वेस्ट ऑफ अफ्रीका, साउथ वेस्टर्न साउथ अमेरिका। अभी साउथ वेस्टर्न साउथ अमेरिका में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसका जो साउथ वेस्टर्न पार्ट है वो है साउथ वेस्टर्न साउथ अमेरिका, जहाँ पे होता है मेडिटेरियन वेजिटेशन। इनफैक्ट साउथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में भी मेडिटेरियन वेजिटेशन होती है। ये जो मैंने अभी नाम लिए कैलिफोर्निया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका वगैरह, ये रीजन्स मेडिटेरियन सी के पास नहीं है यानी ये यूरोप, अफ्रीका और एशिया की जो जगह है वहाँ नहीं है, येट यहाँ पे ये जो आउटसाइड है मेडिटेरियन रीजन के यहाँ पे भी मेडिटेरियन वेजिटेशन होती है। अब यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, तो यहाँ पे हॉट एंड ड्राई समर्स होते हैं, हॉट यानी बहुत गर्मी होती है, ड्राई समर्स यानी बारिश जो है बहुत कम होती है, और विंटर्स में भी माइल्ड रेनी सीजन होता है यानी कि थोड़ी कम थोड़ी बहुत ही रेनफॉल होती है विंटर्स में भी। तो ऐसा है यहाँ का क्लाइमेट। और यहाँ पे जो है सिट्रस फ्रूट का कल्टीवेशन होता है। सिट्रस फ्रूट क्या होते हैं, जो फ्रूट्स टेस्ट में खट्टे होते हैं जैसे कि ऑरेंज, ग्रेप्स, फिग्स, ये सब टेस्ट में जो है थोड़े खट्टे होते हैं, तो यहाँ पे इस टाइप के फ्रूट्स का कल्टीवेशन होता है, सिट्रस फ्रूट्स जिन्हें कहते हैं, यानी कि खट्टे फ्रूट्स। कौन कौन से, ऑरेंज हो गया, फिग्स हो गए, ऑलिव्स एंड ग्रेप्स, ये सारे सिट्रस फ्रूट होते हैं जो यहाँ पे जिनकी खेती बाड़ी होती है। एंड एज सच यहाँ पे कोई वाइल्ड लाइफ इतना कुछ स्पेसिफिक नहीं है, देयर इजंट मच वाइल्ड लाइफ हियर। तो आई होप आपको मेडिटेरियन वेजिटेशन भी एकदम क्लियर होगा, इसकी लोकेशन एकदम क्लियर होगी, जो मेडिटेरियन सी के आसपास जो वेजिटेशन होती है उसी को हम मेडिटेरियन वेजिटेशन कहते हैं। ये मेडिटेरियन वेजिटेशन जो है ये मेडिटेरियन सी के भी बाहर जो एरियाज हैं, जो मेडिटेरियन सी से बहुत दूर हैं, जैसे कि यूएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, वहां पे भी ये वेजिटेशन होती है। यहाँ का क्लाइमेट हमने पढ़ लिया, यहाँ पे कैसी फ्लोरा होती है यानी कि यहाँ पे कैसे फ्रूट्स होते हैं,
वो सब भी हमने देख लिया। और यहाँ पे वाइल्ड लाइफ एज सच कुछ स्पेसिफिक वाइल्ड लाइफ नहीं होती है। अब हम बात करेंगे हमारे लास्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट की, दैट इज कॉनिफेरस फॉरेस्ट। अब कॉनिफेरस फॉरेस्ट को हम ताइगा फॉरेस्ट भी कहते हैं। ये इसकी लोकेशन कहाँ होती है, अगेन ये भी हायर लैटिट्यूड्स में होता है, यानी कि 50 to 70 degrees के जो लैटिट्यूड्स हैं वहाँ पे ये फॉरेस्ट होते हैं। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं ये पोलर रीजन जहाँ पे बर्फ बहुत होती है, ऐसे रीजन में ये फॉरेस्ट होते हैं। और ये हायर एटीट्यूड्स ऑल्टीट्यूड्स पे होते हैं, यानी कि बहुत हाइट पे होते हैं। तो एक तो हायर लैटिट्यूड्स पे तो होते ही होते हैं, हायर एल्टीट्यूड्स पे भी होते हैं, यानी बहुत हाइट पे होते हैं। तो इस टाइप के फॉरेस्ट यूजुअली बहुत हाइट पे जो हिल्स होते हैं या जो माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन्स के ऊपर जिस टाइप के फॉरेस्ट होते हैं उन फॉरेस्ट को हम कहते हैं कॉनिफेरस फॉरेस्ट। तो दो चीज आपको इसकी लोकेशन की एकदम अच्छे से दिमाग में बैठा लेनी है कि हायर लैटिट्यूड्स और हायर एल्टीट्यूड पे जो फॉरेस्ट होते हैं वो भी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के, सदर्न हेमिस्फेयर की हम बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के जो हायर लैटिट्यूड्स होते हैं और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के जो हायर एल्टीट्यूड्स होते हैं, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के जो हाइट पे जो माउंटेन्स होते हैं हायर एल्टीट्यूड्स में, पोलर रीजन के पास जो माउंटेन्स होते हैं वहाँ पे होते हैं कॉनिफेरस फॉरेस्ट। और ये आप जो इमेज देख रहे हो इससे भी आपको आइडिया लग सकता है, पोलर रीजन है यानी बर्फ तो होगी। तो जो पीछे का माउंटेन है इस इमेज में वहाँ पे आपको बर्फ दिख रही है और बहुत लंबे लंबे ट्रीज आपको इस माउंटेन के आसपास दिख रहे हैं। ये जो फॉरेस्ट है लंबे लंबे पेड़ का, इसे कहते हैं हम कॉनिफेरस फॉरेस्ट। अब यहाँ की फॉरेस्ट कैसे होते हैं, यहाँ पे ट्रीज कैसे होते हैं, तो यहाँ पे होते हैं टॉल ट्रीज, यानी कि बहुत लंबे ट्रीज जो कि आप इमेज में भी देख सकते हो। और ये जो ट्रीज होते हैं ये होते हैं सॉफ्टवुड के एवरग्रीन ट्रीज, यानी कि हमेशा एवरग्रीन ही रहते हैं और सॉफ्टवुड के होते हैं, यानी कि जो लकड़ी होती है उसका अंदर का जो पल्प होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है। और ये जो सॉफ्टवुड ट्रीज की जो लकड़ियां हैं इससे बनते हैं मैच बॉक्सेस, इससे बनते हैं पैकिंग बॉक्सेस, यानी कि कोई जो गिफ्ट रैपिंग में भी आजकल जो लकड़ी के बॉक्सेस यूज होते हैं वो सब सॉफ्टवुड से बनते हैं। इसके अलावा पेपर बनाने में एंड न्यूज़पेपर में जो पेपर यूज होता है वो भी इसी ट्रीज के पल्प से बनता है, यानी कि इन्हीं ट्रीज के गूदा, जो अंदर का गूदा होता है जो पल्प होता है उससे बनता है। तो ये जो ट्रीज है यहाँ के वो बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं ये सब चीजें बनाने में। अब ये कौन से ट्रीज होते हैं, तो इनमें होता है चीर ट्री, पाइन ट्री, सिदार ट्री, ये कुछ ट्रीज होते हैं। और अगर हम एनिमल्स की बात करें कि इन फॉरेस्ट में कौन से एनिमल्स होते हैं, तो यहाँ पे सिल्वर फॉक्स होता है, यानी सिल्वर कलर का फॉक्स होता है, यहाँ पे पोलर बियर्स होते हैं, यहाँ पे मिंक होते हैं। सो दीज आर द बेसिकली कॉमनली फाउंड ट्रीज एंड एनिमल्स इन कॉनिफेरस फॉरेस्ट। तो विद दिस हमारे जो 6 फॉरेस्ट थे जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले थे, उन सारे 6 फॉरेस्ट को हमने डिटेल में पढ़ लिया, वहाँ का कौन सा क्लाइमेट होता है, वो किस लोकेशन पे होते हैं, वहाँ पे किस टाइप के ट्रीज होते हैं और क्या वाइल्ड लाइफ वहाँ पे होती है। तो नाउ हम चैप्टर के दूसरे पार्ट पे पहुँचते हैं, दैट इज ग्रासलैंड्स। अगर आपको याद होगा तो स्टार्टिंग जब चैप्टर मैंने स्टार्ट किया तो हमने देखा था नेचुरल वेजिटेशन कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 कैटेगरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड थॉर्नी बुशेस या थॉर्नी स्क्रब्स जिसे कहते हैं। तो हमने फॉरेस्ट, तो 6 जो फॉरेस्ट थे वो पढ़ लिए। अब हम ग्रासलैंड पढ़ेंगे और ग्रासलैंड के अंदर हम पढ़ेंगे श्रब्स के बारे में, दैट इज थॉर्नी बुशेस, यानी कांटेदार झाड़ियाँ। तो पहले हम समझेंगे ग्रासलैंड क्या होता है। एज द नेम सजेस्ट, जैसे बहुत लोगों को समझ भी आ गया होगा इस टर्म से, ग्रास लैंड यानी कि ऐसी लैंड जहाँ पे सिर्फ ग्रास ही ग्रास है, जहां तक तुम्हारी नजरें जाएंगी ना वहां तक सिर्फ तुम्हें घास ही घास दिखेगी, जैसे कि इस इमेज में दिखती है। दूर दूर तक छोटी 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 घासें हैं, थोड़ी बड़ी घासें भी हैं। तो ऐसा रीजन जहाँ पे जो सरफेस है ग्रास से ही कवर्ड हो उसे हम कहते हैं ग्रास लैंड। अब ये ग्रास लैंड जो है दो टाइप के होते हैं, ट्रॉपिकल ग्रास लैंड एंड टेम्परेट ग्रास लैंड। ट्रॉपिकल और टेम्परेट तो अब आपको एकदम समझ आ गया होगा, जो ग्रासलैंड्स ट्रॉपिकल जोन में है वो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स कहलाएंगे और जो टेम्परेट जोन में है वो टेम्परेट ग्रासलैंड्स कहलाएंगे। इजी राइट? तो
तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं दो टाइप के ग्रासलैंड्स हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड एंड टेम्परेट ग्रासलैंड, और ग्रासलैंड्स के अंदर ही हम पढ़ेंगे थॉर्नी बुशेस। तो स्टार्टिंग विथ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, तो ये कहाँ पे होता है? ट्रॉपिकल, ऑब्वियसली ट्रॉपिकल रीजन में ही होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिकल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक जितना भी रीजन है, जितना भी एरिया है, वहीं पे ये ग्रासलैंड्स होंगे। सो दीज अकर ऑन ईदर साइड ऑफ द इक्वेटर, यानी हमें पता है इक्वेटर के दोनों साइड क्या है, ट्रॉपिकल जोन्स ही हैं। तो ये इक्वेटर से लेके ट्रॉपिकल जो जोन्स है, यानी कि इक्वेटर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक और इक्वेटर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक, यहाँ पे पूरे रीजन में ग्रासलैंड्स ही ग्रासलैंड्स है। यहाँ पे जो है बहुत मॉडरेट रेनफॉल होती है या बहुत कम रेनफॉल होती है, और इस टाइप की रेनफॉल ही बेस्ट आइडियल सिचुएशन है ग्रास की ग्रोथ के लिए। यानी कि जो ग्रास यहाँ पे उगती है, बहुत कम रेनफॉल में ही घास जो है वो उग जाती है। इवन आपके गार्डन में आपने देखा होगा, अगर आपका कोई गार्डन है घर में या आपके आसपास कोई पार्क है, एक दो बारिश आने पे जो ग्रास है वो उग जाती है, राइट? तो यहाँ पे भी जो है मॉडरेट या फिर बहुत कम रेनफॉल होती है, एंड विच इज वेरी सूटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द ग्रास, ठीक है। अब यहाँ की जो घास है, यहाँ की जो ग्रास है, इट कैन ग्रो वेरी टॉल, 3 से 4 मीटर की हाइट तक होती है। 3 से 4 मीटर आप मान लीजिए, एक फ्लोर जितनी ग्रास की हाइट हो सकती है। जितना एक फ्लोर होता है ना, एक जो फ्लोर आपकी जो रूम की जो हाइट है, जो रूफ जिस जगह है, इतनी लंबी लंबी घास यहाँ पे उग सकती है। सो दैट इज अबाउट ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। अब यहाँ के एनिमल्स कौन से होते हैं? तो इन ग्रासलैंड्स में मेनली एलिफेंट्स होते हैं, जेब्रास होते हैं, जिराफ्स होते हैं, डियर्स होते हैं, यानी ज़्यादातर जो है हर्बीवोर्स एनिमल्स ही होते हैं, और यहाँ पे लेपर्ड्स भी थोड़े बहुत मिलते हैं। सो दैट वॉज ऑल अबाउट ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। नाउ वील मूव टूवर्ड्स टेम्परेट ग्रासलैंड। सो टेम्परेट, एज द नेम सजेस्ट, जो टेम्परेट जोन में है, यानी कि जो मिड लैटिट्यूडनल जोन में है, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, दो लैटिट्यूड्स के बीच में जो जोन होता है, टेम्परेट जोन को ही हम मिड लैटिट्यूडनल जोन भी कहते हैं। से ये जो टेम्परेट ग्रासलैंड होते हैं, ये मिड लैटिट्यूडनल जोन में होते हैं, और ये जो कॉन्टिनेंट है उसके बहुत इंटीरियर पार्ट में होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो कॉन्टिनेंट है उसके बॉर्डर वगैरह पे ये नहीं होते, एकदम हार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट होता है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर ये पूरा एशिया है, तो ये जो मार्जिन है, ये बाउंड्रीज है, यहाँ पे नहीं होंगे ये ग्रासलैंड्स। दीज ग्रासलैंड्स वुड बी समवेयर बिटवीन इन द हार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, एकदम बीचों बीच कहीं पे ये होंगे। ये जो कॉन्टिनेंट की जो बॉर्डर है वहां पे नहीं होंगे, कोस्टल एरियाज पे नहीं होंगे, इट इज इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। और यहाँ पे जो घास है वो बहुत शॉर्ट होती है और बहुत न्यूट्रियस भी होती है। जैसे कि इस इमेज में अगर आप देखो तो बहुत छोटी छोटी ग्रास दिख रही है। तो यहाँ की जो अनलाइक द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की घास जो 3 से 4 मीटर तक उगती है, यहाँ की जो ग्रास है वो इतनी हाइट की नहीं होती है। दे आर वेरी शॉर्ट एंड दे आर न्यूट्रिशियस, यानी कि इसमें बहुत सारे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं इस ग्रास में। अब अगर हम यहाँ एनिमल्स की बात करें कि यहाँ पे किस टाइप के एनिमल्स होते हैं, तो यहाँ पे होती है वाइल्ड बफलोज, यानी कि जंगली भैंसें यहाँ होती हैं, यहाँ पे एंटीलोप्स होते हैं, यहाँ पे बाइसन्स होते हैं। तो आई होप टेम्परेट ग्रासलैंड्स के बारे में आपको सब कुछ क्लियर होगा। पहले हमने पढ़ा था ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, फिर हमने पढ़ा टेम्परेट ग्रासलैंड, यही कहाँ पे होते हैं, क्या एनिमल्स यहाँ पे होती है, यहाँ पे जो ग्रास होती है वो किस हाइट तक की होती है, ये सब हमने कवर किया। एंड नाउ वी मूव टू थॉर्नी बुशेस। सो एज द नेम सजेस्ट, थॉर्नी बुशेस यानी ऐसी झाड़ियाँ जिनमें कांटे होते हैं, थॉर्न्स होते हैं। जैसे कि इस इमेज में भी आप देख सकते हो, एक बड़ी सी झाड़ी है और इसमें बहुत ऐसे थॉर्न्स निकल रहे हैं, बहुत कांटे निकल रहे हैं जो बहुत पॉइंटेड और बहुत शार्प दिख रहे हैं। सो ऐसी बुशेस, ऐसी झाड़ियाँ जिनमें कांटे होते हैं, उन्हें हम कहते हैं थॉर्नी बुशेस। अब एक क्वेश्चन आता है जो आपके माइंड में आ रहा होगा कि थॉर्नी बुशेस कहाँ पे होते हैं मैम। सो थॉर्नी बुशेस बेसिकली ड्राई ट्रॉपिकल डेजर्ट्स में होते हैं, ऐसे डेजर्ट जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, ड्राई क्लाइमेट होता है, और जो डेजर्ट ट्रॉपिकल एरियाज में आते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल हो सकता है,
इंडिया, इंडिया जो है वो ट्रॉपिकल जोन में आता है। अब इंडिया में जो राजस्थान है वहां पे आते हैं थार डेजर्ट, तो ऐसे डेजर्ट्स में इस टाइप की थॉर्नी बुशेस बहुत कॉमन है, क्योंकि राजस्थान का जो टेम्परेचर है इट इज ड्राई, वहां पे रेनफॉल बहुत कम होती है। सो दीज थॉर्नी बुशेस आर फाउंड इन ड्राई ट्रॉपिकल डेजर्ट, ऐसे डेजर्ट जहाँ पे बारिश भी कम होती है, और जो ट्रॉपिकल जोन में आते हैं उन डेजर्ट में ऐसे जगहों पे जो है थॉर्नी बुशेस होती हैं, और ये जो वेजिटेशन कवर होता है वो बहुत स्कार्स होता है, बहुत कम होता है। ये कम क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है और जो हीट है बहुत ज्यादा होती है, एकदम कड़कती भी धूप होती है। हमें ये पता है जहाँ पे जितनी ज्यादा बारिश होगी वहां पे इतने ज्यादा पेड़ पौधे होंगे। अब यहाँ पे बारिश इतनी कम होती है तो यहाँ पे जो वेजिटेशन है यानी कि यहाँ पे जो प्लांट्स हैं वो बहुत कम होते हैं, और क्योंकि यहाँ पे हीट बहुत ज्यादा है यानी कि जो सन की जो गर्मी है वो बहुत ज्यादा आती है, इस कारण से आधे पेड़ पौधे तो ऐसे ही मर जाते हैं, गर्मी से ही मर जाते हैं। एक तो पानी की कमी, ऊपर से जो मौसम है वो भी इतना गर्म होता है, तो इन ट्रीज को एकदम जिंदा रहने का मन ही नहीं रहता, सो दे डाई। तो वेजिटेशन हेयर इज वेरी स्कार्स, बहुत कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल जो है बहुत स्कैंटी है यानी कि बहुत कम है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट भी होती है। आई होप थॉर्नी बुशेस भी आपको क्लियर होगा। एंड वी कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज तुंद्रा वेजिटेशन। अब तुंद्रा वेजिटेशन क्या होती है उसको समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि जो पोलर रीजन्स होते हैं यानी कि जो आर्टिक सर्कल के ऊपर जो नॉर्थ पोल के पास जो होते हैं, और जो एंटार्क्टिका साउथ पोल में जो पोलर रीजन है, ये पोलर रीजन जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। यहाँ पे इतनी ठंड पड़ती है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जो एरियाज हैं वो स्नो से ही कवर्ड होते हैं। अब यहाँ पे ठंड क्यों पड़ती है तो हमें ये पता है कि ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है यहाँ पे जो सन की है, सन की डायरेक्ट रेज सनलाइट यहाँ तक नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण ये जो रीजन है दे आर मोस्टली कवर्ड बाय स्नो। सो पोलर रीजन आर एक्सट्रीमली कोल्ड। अब यहाँ पे जो है बर्फ ही बर्फ होगी, तो ऑब्वियसली जो वेजिटेशन है वो भी बहुत लिमिटेड होगी, बहुत कम होगी। इस लिमिटेड वेजिटेशन में भी जो थोड़ी बहुत यहाँ पे वेजिटेशन अवेलेबल है वो है मॉसेस, लिचेंस और छोटी छोटी श्रब्स। यहाँ पे जो समर टाइम है बहुत जो छोटा सा समर पीरियड होता है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यहाँ पे बर्फ ही होती है, तो जो समर टाइम है उसमें ये छोटे मोटे मॉसेस, लिचेंस और जो श्रब्स होते हैं वो यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, और इस टाइप की वेजिटेशन को कहते हैं तुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन। यानी वो वेजिटेशन जो पोलर रीजन्स में उगती है यानी कि बर्फ के आसपास जो थोड़ी बहुत भी वेजिटेशन उग जाती है उसको हम कहते हैं टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन। अब ये इस टाइप ऑफ ये टाइप की वेजिटेशन कहाँ कहाँ होती है, तो ये यूरोप में होती है, ये एशिया में होती है, और ये नॉर्थ अमेरिका में भी तुंड्रा वेजिटेशन इज अवेलेबल। दीज तुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन इज वेरी कॉमन इन यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका, यानी कि यहाँ के जो पोलर रीजन है इन तीन कॉन्टिनेंट्स के वहां पे इस टाइप की वेजिटेशन होती है। अब हम बात करते हैं किस टाइप के यहाँ पे एनिमल्स होते हैं, तो यहाँ पे ऑब्वियसली स्नो, जो स्नो को झेल सके, इतनी ठंड को झेल सके, उस टाइप के ही एनिमल्स होते हैं। तो यहाँ पे पोलर बियर होता है, यहाँ पे स्नो फॉक्स होते हैं, आर्कटिक आउल होता है, मस्क ऑक्सिन होती है, सील होती है, वॉलरस होती है, ये सारे पोलर रीजन के एनिमल्स हैं जो यहाँ पे होते हैं। अब यहाँ पे जो है हमें ये पता है बहुत ज्यादा ठंड होती है, तो हाउ डू दीज एनिमल्स सर्वाइव। तो ये जितने भी एनिमल्स के नेम मैंने अभी लिए ना, उनका जो फर होता है यानी कि उनकी जो स्किन होती है और जो स्किन के ऊपर जो बाल होते हैं, जैसे ये पोलर बियर दिख रहा है आपको इस जिप में, जो पोलर बियर के जो इतने बड़े बड़े बाल हैं उसको फर कहते हैं, और जो इसकी फर के नीचे जो स्किन है, ये फर और स्किन बहुत थिक होती है, बहुत मोटी होती है। सो दीज एनिमल्स लाइक पोलर बियर, स्नो फॉक्स, सील, वॉलरस, इनकी बहुत थिक फर होती है, बहुत थिक स्किन होती है, विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द दीज हाई टेम्परेचर्स, ये जो कोल्ड टेम्परेचर्स होते हैं, सॉरी लो जो टेम्परेचर्स होते हैं, जो इतनी ठंड होती है, इन एनिमल्स दीज थिक फर एंड थिक स्किन प्रोटेक्ट दीज एनिमल्स। तो इस चैप्टर में हमने सारे नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ कवर कर लिए हैं, हमने 6 टाइप के फॉरेस्ट पढ़े, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, एवरग्रीन एंड डेसिडियस फॉरेस्ट, हमने
मेडिटेरियन वेजिटेशन पढ़ा, हमने कॉनिफेरस फॉरेस्ट के फीचर्स पढ़े, फिर हमने कितने टाइप के ग्रासलैंड्स है वो पढ़े, फिर हमने थॉर्नी बुशेस के बारे में पढ़ा, एंड लास्टली हमने टुंड्रा वेजिटेशन के बारे में पढ़ा. सो दैट वॉज ऑल इन दिस चैप्टर. आई होप आपको अच्छे से क्लियरली एकदम समझ आया होगा. इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, तो हमें ये चैप्टर एकदम बाय हार्ट याद करना है, एकदम अच्छे से समझना है, क्योंकि एक बार अगर हमने समझ लिया तो हम कभी भूलेंगे नहीं, एंड विल बी एबल टू एस आर एग्जाम्स विद ग्रेट मार्क्स. अब आई विल बी टॉकिंग अबाउट अन अकेडमी की फ्री स्पेशल क्लासेस फीचर्स. तो अन अकेडमी फ्री स्पेशल क्लास के क्या फीचर्स होते हैं, यहाँ पे आप रियल टाइम में यू कैन इंटरैक्ट विद द एजुकेटर. तो जैसे ये जो आप वीडियो देख रहे हो ये तो प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, यहाँ पे वी कैन नॉट इंटरैक्ट इन रियल टाइम. बट यहाँ पे अगर आप अन अकेडमी की फ्री स्पेशल क्लासेस लेते हो, यानी कि फ्री एकदम मुफ्त, आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं है. इफ यू सब्सक्राइब टू अन अकेडमी फ्री स्पेशल क्लासेस, देन यू गेट अ चांस टू इंटरैक्ट विद द एजुकेटर्स इन रियल टाइम. एजुकेटर्स आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप उनके आंसर्स कर सकते हो, प्लस देयर इज अ पोल लीडर बोर्ड. अभी पोल लीडर बोर्ड क्या होता है, जब आप अन अकेडमी की ये क्लास अटेंड करोगे तो आपके साथ जो आपके दोस्त हैं, आपके जो क्लासमेट्स हैं, वो भी अटेंड करेंगे, राइट? क्योंकि आप अकेले अकेले तो अटेंड करोगे नहीं, आप सबके साथ आओगे ना क्लास में. सो वो क्या आंसर्स देते हैं, आपका आंसर कौन सा सही है, उनने क्या गलत आंसर दिए, तो आप बेसिकली कंपेयर कर सकते हो अपनी परफॉर्मेंस और उनकी परफॉर्मेंस. सो विद द हेल्प ऑफ पोल लीडर बोर्ड यू कैन कम्पीट विद योर फ्रेंड्स. तो ये फीचर्स हैं अन अकेडमी के फ्री स्पेशल क्लासेस के लिए. इसके लिए तो आपको कुछ पे भी नहीं करना है, दे आर एब्सोल्यूटली फ्री. अब हम बात करते हैं अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन के फीचर्स की, यानी कि अगर आप अन अकेडमी पे किसी कोर्स के लिए सब्सक्राइब करते हैं, आप नॉर्मल सब्सक्रिप्शन लेते हैं या कोई प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आपको कौन से फीचर्स मिलेंगे, तो वो सारे फीचर्स आपकी स्क्रीन पे हैं. यू लर्न फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर हाउस. आप अपने घर पे बैठ के कहीं से भी जो लाइव वीडियोज हैं अन अकेडमी के एजुकेटर्स के, वो कहीं से भी आप देख सकते हैं. ये जो एजुकेटर्स होते हैं, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था, दे आर द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया. प्लस अन अकेडमी आपको स्टडी मटेरियल देगी, आपको प्रैक्टिस टेस्ट देगी. यू कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन लाइव टेस्ट. रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, यानी कि आप लाइव अपने रेगुलर बेसिस पे जो है जो टीचर है, जो एजुकेटर है, उससे अपने सारे अकेडमिक डाउट्स पूछ सकते हैं. जो एजुकेटर्स हैं दे विल कवर योर सिलेबस एक्सटेंसिवली. यू विल हैव अ मेंटोर जो आपको गाइड करेगा कि कैसे पढ़ना है, कैसे सिलेबस कवर करना है. इतने सारे बेनिफिट्स हैं, मैं तो आपको बताते बताते ही थक चुकी हूँ. बट आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अन अकेडमी का ऐप डाउनलोड करना है, एंड यू हैव टू सब्सक्राइब टू एनी ऑफ द कोर्स विच यू वांट टू स्टडी. और इस सब्सक्रिप्शन के जो प्राइस है, यानी कि आपको अगर ये सब्सक्रिप्शन लेना है तो आपको क्या क्या प्राइस पे करना होगा, तो अलग अलग पैकेजेस हैं जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. 24 मंथ का पैकेज है, 18 मंथ्स का पैकेज है, 15 मंथ, 12 मंथ, 6 मंथ्स के पैकेजेस हैं. जैसे भी आपको कन्वीनियंट हो, जिस भी टाइम पीरियड तक के लिए आपको कन्वीनियंट हो, आप इनमें से कोई भी पैकेज ले सकते हैं, कोई भी कोर्स पढ़ सकते हैं. अब एक साइड पे तो है नॉर्मल प्राइसेस, और अगर आप दूसरी साइड पे एक्सट्रीम स्क्रीन के जो एकदम पास एक फोन का जो फोटो देखोगे, तो वहां पे आपको वही प्राइस 10% ऑफ होने पे दिख रहे हैं. तो अगर आप 10% अवेल करते हो, तो आपको यही 24 मंथ की क्या प्राइस होगी. सो 10% ऑफ से पहले 24 मंथ की पैकेज की प्राइस थी 1042 रुपीज पर मंथ. वही 10% डिस्काउंट होने पे ये रह जाती है 938 रुपीज पर मंथ. अब आपको ये 10% डिस्काउंट कैसे मिलेगा, तो आपको मेरा एक कोड यूज करना है, दैट इज PJAIN10. अगर आप ये कोड यूज करते हैं तो आपको सीधा सीधा 10% ऑफ मिल जाएगा. तो आपको ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मिस करनी ही नहीं है. अन अकेडमी के इतने सारे सब्सक्रिप्शन फीचर्स हैं, और जो प्राइस है वो भी बहुत नॉमिनल है, बहुत एकदम सस्ता सुंदर टिकाऊ जिसे कहते हैं हम हिंदी में, एकदम वैसे प्राइस है. तो ये अपॉर्चुनिटी तो आपको चूकनी ही नहीं है. इकोनॉमिक सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो क्या होता है, देखो एक एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ. सपोज दिल्ली से बॉम्बे आपको प्लेन में आना है, ठीक है? अब प्लेन में एक होता है इकोनॉमिक क्लास और एक होता है बिजनेस क्लास.
जाते सारे पैसेंजर्स दिल्ली से बॉम्बे ही रहे हैं, देयर इज नो डिफरेंस इन द डेस्टिनेशन, बट जो बिजनेस क्लास के जो पैसेंजर्स हैं उनके पास थोड़ा सा कंफर्ट, थोड़े से बेनिफिट और ज़्यादा होंगे कंपेरेटिवली। तो वैसे ही सब्सक्रिप्शन के जो नॉर्मल सब्सक्रिप्शन है उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बट अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वो बेनिफिट्स तो आपको मिलेंगे ही, प्लस थोड़े से बेनिफिट्स, थोड़े से कंफर्ट्स आपको और मिलेंगे। अभी क्या कंफर्ट्स हैं? आपको पर्सनल मेंटोर मिलेगा, यानी कि एक पर्सनल आपका एक मेंटोर जैसे एक फ्रेंड मिलेगा जो आपको गाइड करेगा कि कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, कैसे आप सिलेबस कवर कर सकते हो। लाइव डाउट सॉल्विंग क्लास होगी, तो नॉर्मल सब्सक्रिप्शन में सिर्फ रेगुलर डाउट सॉल्विंग क्लास होती है, वो लाइव नहीं थी, यहाँ पे लाइव है। आप रियल टाइम में अपने एजुकेटर से सारे एकेडमिक डाउट्स पूछ सकते हो। यहाँ पे आपको वीकली रिपोर्ट्स मिलेंगी कि पूरे वीक में आपने कैसा परफॉर्म किया, आप कैसे और इम्प्रूव कर सकते हो, किन एरियाज पे आपने एक्चुअली इम्प्रूव किया है। एक डिटेल्ड एनालिसिस, एक डिटेल्ड रिपोर्ट आपको वीकली बेसिस पे अनअकैडमी देता रहेगा। इसके अलावा पेरेंट कनेक्ट है, यानी कि जो एजुकेटर है और जो पेरेंट्स हैं दे कैन यू नो कनेक्ट, ताकि पेरेंट्स को भी जो भी क्वेरीज हैं अपने बच्चे के फ्यूचर से रिलेटेड या कुछ भी है उससे पढ़ाई से रिलेटेड, सो दे कैन एक्चुअली डिस्कस विद द एजुकेटर। प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिलता है स्टडी प्लानर, यानी कि अन अकेडमी आपको एक पूरा स्टडी प्लान बना के देगा, एक पूरा स्केड्यूल टाइम टेबल बना के देगा कि आपको कैसे कौन सा चैप्टर किस टाइम तक कवर करना है, हाउ डू यू गो अबाउट विद योर सिलेबस। सो ऑल ऑफ दैट वुड बी कवर्ड इन द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ऑफ अन अकेडमी। और जो नॉर्मल सब्सक्रिप्शन के प्राइस हैं, जो नॉर्मल सब्सक्रिप्शन के फीचर्स हैं, वो सारे भी फीचर्स आपको मिलेंगे अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो। तब आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के क्या प्राइसेस है, अगेन वो स्क्रीन पे है। देर आर डिफरेंट पैकेजेस और 10% ऑफ होने के बाद क्या प्राइस रह जाती है वो भी आपको दिख रही है स्क्रीन पे। अब वो 10% कैसे मिलेगा, अगेन इफ यू हैव टू यूज माई कोड PJAIN10, अगर आप ये कोड यूज करते हो तो आपको जो है 10% ऑफ किसी भी कोर्स पे, किसी भी सब्जेक्ट पे अपने आप मिल जाएगा। सो ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। ये जो प्राइस है, जैसे मैंने पहले कहा था, एकदम सस्ते सुंदर टिकाऊ प्राइस है। इनफैक्ट जो आप फिजिकल ट्यूशन में जाते हो उसके भी प्राइस इससे ज्यादा होते हैं, मोस्टली इससे ज्यादा ही होते हैं, बट यहाँ पे तो आपको एकदम अपने घर से पढ़ना है, आपको धूप में कहीं किसी ट्यूशन टीचर के नहीं जाना, यहाँ पे एजुकेटर खुद वर्चुअली आपको आके पढ़ाएंगे और बेस्ट एजुकेटर्स पढ़ाएंगे। सो लर्न फ्रॉम द बेस्ट एंड लर्न द बेस्ट, दैट इज द मोटो ऑफ अन अकेडमी, एंड टुगेदर यू एंड अस कैन क्रैक एनी एग्जाम। हम आपको बेस्ट पढ़ाएंगे और जब आप बेस्ट पढ़ेंगे तो आप कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। सो लेट्स क्रैक इट, एंड बिफोर दैट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स, अपनी फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर करिए। सब्सक्राइब टू द अनअकैडमी चैनल एंड हिट द बेल आइकन इफ यू हैवंट, क्योंकि अगर आप बेल आइकन हिट करेंगे सो आपको अनअकैडमी के इस चैनल के जितने भी नोटिफिकेशन हैं, जितने भी अपडेट्स हैं, यू विल गेट देम फास्टेस्ट, सब लोगों से सबसे जल्दी। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, हिट द बेल आइकन, एंड थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ट्यून्ड टिल द एंड। आई होप यू लाइक द वीडियो, आई होप आपको चैप्टर एकदम अच्छे से क्लियर होगा, एंड आई होप आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेने में भी बिल्कुल देरी नहीं करेंगे। सो थैंक यू सो मच, दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई एंड, सी यू नेक्स्ट टाइम, एंड स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे साउंड, एंड फॉलो ऑल द कोविड मेजर्स। थैंक यू एंड बाय बाय।